गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं गांव और अभी हम लोगों का घूमने का ही टाइम है। आजकल हम लोग ज़्यादा ही घूम रहे हैं। मेरा जो भतीजा है उसका बर्थडे है आज, मतलब बड़ी जेठानी का जो छोटा वाला बेटा है उसका बर्थडे है, तो इसी वजह से हम लोग आप लोगों ने सोचा चलो जाके आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगेगा और केक वगैरह भी कट होगा और इनको ना ड्यूटी जाना है 6 बजे, तो इसी वजह से जल्दी निकले हैं। जल्दी में सभी हो गए हैं 4:25 और 1 घंटा हम लोग वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद चले आएंगे, क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना है। इसी वजह से आधा घंटा 20 मिनट तो जाने के लिए और 20 मिनट आने के लिए लगते हैं। तो अभी 4:25 हो गए और हम लोग आधे बीच रास्ते में पहुँच गए हैं। वैसे आधे रास्ते में पहुँच गए ना हम लोग, हाँ तो आधे रास्ते में पहुँच गए। और यहाँ पर अद्विक, अद्विक हाय बोल दो। अद्विक अभी भी रो ही रहा था क्योंकि उसको नहीं उसको उसके पापा के पास बैठना था, बट मैंने मना कर दिया कि मतलब इतना जिद करता है। आज मैंने उसको वो किया ना, मना किया तो वो रो रहा था, तो पीछे मैंने हाँ गुस्से में है अभी भी, लेकिन मैंने इनको बोला कि नहीं उसको ऐसे ही करोगे तो आप थोड़ा सा उसको डांटना भी जरूरी है, ऐसे ही करोगे तो वो जिद पकड़ने लग जाएगा, तो इसी वजह से अभी उसको थोड़ा सा मना किया। तो मुँह खुला हुआ है इसका देखो, वैसे आज स्कूल से आने के बाद भी उसका मुंह फुला हुआ ही था, आज दिन भर से मुंह फुला हुआ ही है उसका। ज्यादा पढ़ाई कर ली उसने इसी वजह से। गाइज यहाँ पर सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, बेडशीट चेंज करनी है वो कर रही हूँ। और हाँ आज पता नहीं क्या हुआ था, सुबह सुबह मैं नेल पॉलिश लगाने बैठ गई क्योंकि अद्विक सोया था, तो मुझे दूसरे काम समझ में नहीं आ रहे थे क्या करूँ, और बेडशीट चेंज करनी थी, सारा कुछ करना था, तो मैंने सोचा चलो बाद में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज कर ली है और नेल पॉलिश लगाई थी मैंने आज, नेल पॉलिश चेंज की है सुबह सुबह, येलो कलर की नेल पॉलिश लगाई है। और यहाँ पर फिर अद्विक उठ गया था, उसके बाद फिर अद्विक का ही शुरू हो जाता है। माही चली गई थी स्कूल, तो माही के जाने के बाद थोड़ा सा मेरा भी मन किया था कि अद्विक के पास थोड़ी सी बैठ जाओ या सो जाओ, मैं तो थोड़ी सी मैं भी लेट गई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी ब्रश कर लेती हूँ अद्विक को, थोड़ा सा मैं अगर दिख जाऊँ ब्रश करते हुए तो अद्विक को भी मज़ा आता है, चलो मैं भी कर लेता हूँ करके, ऐसे करके उसे भी मैं ब्रश करा रही थी और खुद भी ब्रश कर रही थी यहाँ पे। तो बस उसके बाद उसका मुंह धुलवा दूंगी और उसके बाद मेरा ब्रश हो जाएगा, उसके बाद उसे खाना चाहिए होगा, जैसे कि आपको पता है उसे पहले उसकी आदत ऐसी लगाई है ना हम लोगों ने कि मतलब सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करने की, तो इसी वजह से उसको सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो दूध वगैरह कुछ नहीं पीता है सुबह उठते ही, क्योंकि बच्चे बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो पहले दूध मांगते हैं और उठते ही, लेकिन इसको उसके पापा ने ऐसी आदत लगाई है कि उठते ही पहले ब्रेकफास्ट करो, उनको भी वही आदत है और वो बिना ब्रेकफास्ट के चाय नहीं पीते कभी भी, हमारे यहाँ पे कभी भी बिना ब्रेकफास्ट के चाय नहीं पिया जाता है। मैं ही अकेली ऐसी हूँ कि मैं बिना ब्रेकफास्ट के चाय पी लेती हूँ, बट वो उनको और बच्चों को ऐसी आदत लगाई है उन्होंने कि बिना ब्रेकफास्ट के चाय पीते ही नहीं है बच्चे भी और वो भी। तो यहाँ क्या होता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं और उसके बाद रेडी होकर ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो भी घर के काम है वो सुबह के वो स्टार्ट हो जाते हैं मेरे वो ड्यूटी जाने तक। और माही और वो रहते हैं ना तो मेरे काम स्टार्ट मतलब होते ही नहीं है सुबह, जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे अभी पोछा लगा रही हूँ, पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अद्विक और मेरे लिए।
क्योंकि अद्विक को अभी पास्ता खाना था, तो इसी वजह से उसके लिए अलग ब्रेकफास्ट बनेगा। अभी मैं अभी वही खाऊंगी। तो और क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट बना था तो वो बचा नहीं था, तो इसी वजह से दूसरा बनाने वाली हूँ, तो हमारे लिए बनाने वाली हूँ अभी। बस इधर बस। अरे बाप रे, अभी सारे कामों से फ्री हुई हूँ। 1 मिनट, अभी बना के देती हूँ अद्विक को पास्ता। और अद्विक बोल रहा है उतने ही नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। अद्विक को नाश्ता चाहिए था, तो उसकी वजह से मैं अभी पास्ता बना के दे रही हूँ उसे। और ये वाली कढ़ाई है, इसमें तेल ऑलरेडी है, क्योंकि मेरा ना आज आलू की सब्जी बनाई थी टिफिन के लिए। मतलब इसको पता नहीं, माही को आलू की सब्जी पसंद है टिफिन में, तो उसके लिए आलू की सब्जी बनाई थी टिफिन में। तुला पास्ता पसंद है, दीदी ला आलू की सब्जी पसंद है। दीदी को आलू की सब्जी पसंद है बोल रहा है, और इसको पास्ता पसंद है। तो अभी इसको पास्ता बना के देती हूँ। और उसमें का तेल वैसे के वैसे ही है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया था। तो अभी मैंने क्या किया, उसका ही तेल अभी यूज करूंगी मैं पास्ता बनाने के लिए। अब पास्ता डाल देती हूँ पहले बॉईल होने के लिए। हाँ यार, बर्तन भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, और आवाज आ रही है पीछे से। मशीन स्टार्ट की है, क्योंकि बेडशीट और थोड़े से कपड़े थे, पहले बेडशीट धोने के लिए डाल दी। अभी बेडशीट हो गई थी, तो मैंने जो कपड़े थे इसके पापा के, माही के, और थोड़े से थे, और तो वो कपड़े डाल दिए धोने के लिए। तो वही अभी चल रहा है मशीन में। तो सबसे पहले पास्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज और टोमेटो चॉप करके रख दिए हैं, और यहाँ पे ना ये टुकड़े मैंने टोमेटो के अद्विक के लिए बनाया है। उस पर थोड़ा सा नमक डालूंगी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है टोमेटो खाना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है टोमेटो। तो इस वजह से अभी मैं, मतलब जब भी टोमेटो या कुछ काटती हूँ, मतलब टोमेटो वगैरह, तो उसके लिए ऐसे बना के देती हूँ। और थोड़ा सा काला नमक भी आप डाल सकते हो, टोमेटो खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। बट माही बिल्कुल नहीं खाती है, माही तो किसी में भी टोमेटो हो तो निकाल के रख देती है, बट ये ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे जो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। और यहाँ पर मैंने जो मैक्रोनी थी, मतलब मैक्रोनी बोल रही हूँ, पास्ता था मेरा, वो मेरा बॉईल हो चुका था, तो मैंने स्टैंडर्ड में स्टैंड कर लिया। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है, मैंने बहुत बार आपसे शेयर की है, बट मैंने सोचा चलो आज आपसे और शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा प्याज डाला है उसमें, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद वो होने दिया है, उसके बाद मैंने टोमेटो ऐड किए हैं, उसके बाद नमक डालूंगी, और फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर और हल्दी डाल दूंगी, और उसके बाद ये नीलॉन्स का पास्ता मसाला ऐड करूंगी उसमें। क्योंकि इससे ये पास्ता मसाला अगर आप ऐड करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छी लगती है इसकी, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मैं ये नीलॉन्स का पास्ता मसाला यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अच्छे से उसको चला लूँगी, उसका जो टोमेटो है वो गल जाएगा, उसके बाद टोमेटो सॉस उसमें ऐड करूँगी, और जो सॉस है हमारा पास्ता का वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर उसमें ना ये पास्ता मैं ऐड कर दूँगी अच्छे से, और उससे अच्छे से चला लूँगी, ताकि इसमें पूरा जो सॉस है हमारा वो लग जाए। तो हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है, हमें इसको कुक नहीं होने देना है ज़्यादा देर। मतलब जैसे ही हम लोग पास्ता इसमें डालते हैं, तो उसके बाद हमें उसे बंद कर देना है, गैस को ऑफ कर देना है, और हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अद्विक भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाह, टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। काफी दिन हो गए थे, बनाया भी नहीं था ना।
गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर। रेडी हो चुकी हूँ मैं। लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इनको पूछ रही हूँ मैं कि डार्क लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या, बट बता ही नहीं रहा है अच्छा लग रहा है बोल रहे। ठीक है, ज़्यादा ही डार्क लग रहा है यार। ये लगा लिया मैंने, पहली बार लगाया ये ब्लू हेवन का वो है, पता नहीं ब्लू हेवन की कोई रेंज है तो ब्लू हेवन का कौन सा है ये? ये चॉकलेट नहीं, वो लिक्विड लिपस्टिक है ये ब्लू हेवन की। बट मैंने जिस दिन ली थी तो उस दिन मुझे अच्छी लगी थी ये। मैंने ऑफलाइन ली है ये, बट मुझे अच्छा लगा था उस टाइम जब लिया था, मैंने हैंड स्वॉच करके देखा था। बट अभी मतलब वैसे लिप्स पे अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा इस पे नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब रेगुलर वेयर में नहीं अच्छा लग रहा है। चांगला है ना गो चांगला है ना गति तो ये बोल रहे अच्छा है, बट अभी रहने देती हूँ, जाने दीजिए, चलो जल्दी जाके आते हैं। और वो लिया क्या? चलो लेती हूँ मैं, रुको। और हम लोग लेने जा रहे हैं कोई चीज़ किचन के लिए, न्यू चीज़, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। क्या लेने आई थी मैं यहाँ पे? हाँ, तो जो भी लेंगे वो आपको दिखाई दूंगी मैं आने के बाद, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, इसी वजह से हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं शॉप में। और मैं ना लिप शेड ही देखी जा रही हूँ बार बार, पता नहीं मैं बाहर इतना डार्क लगा के कभी जाती नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे अजीब सा लग रहा है आज। और आप ज़रूर बताना कैसे लग रहा है लिप शेड। चलो निकलते हैं। गाइज हम लोग घर पे आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लाया है। एक्चुअली ना एक मिनट वो दिखाओ पहले, ये चीज़ काफ़ी दिनों से मुझे लेनी थी, इसी वजह से मैंने इस बार ले ली, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रहा था, मतलब एक एक महीने में इनको बोल रही थी कि मुझे लेनी है करके, और फिर सोच रही थी कि जाने दो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें तो घर में है फिर भी, बट मेरा काफ़ी दिनों से मन था ये वाली चीज़ लेने का। तो ये है क्या बोलते हैं इसे, मल्टी कढ़ाई सेट इंडक्शन बॉटम वाला। तो इसमें काफ़ी सारे आइटम आप बना सकते हो, आप देख सकते हो ये वाले सारे आइटम आप इसमें बना सकते हो। तो इसमें अलग अलग प्लेट्स आती है और मैं आपको प्लेट भी दिखा दूंगी कि क्या है। और इसमें ना क्या बोलते हैं ये कोमल कंपनी का है, तो इसमें इतनी सारी प्लेट्स आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतनी सारी प्लेट्स आएगी, ये कढ़ाई आएगी, उसके बाद ये वाले प्लेट्स आएगी, फिर उसके बाद ये इडली के लिए प्लेट्स आएगी, ये मतलब मिनी इडली के लिए आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे किस तरह से है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है गाइस, मतलब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही मोटा स्टील है इसका और काफ़ी हेवी है। तो इस तरह से आपको इसमें कढ़ाई मिलेगी, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई मिलेगी, उसमें ना एक ये प्लेट मिलेगी आपको जाली वाली, इसमें आप मोदक या क्या बोलते हैं इसे उसमें आप मोदक या मोमोज बना सकते हो, और इसमें आप ढोकला बना सकते हो, ढोकले के लिए दो प्लेट दिए उन्होंने, इसमें आप ढोकला बना सकते हो। और ये जो ये है आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी है कढ़ाई, आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो पुलाव वगैरह के लिए, या ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो आप ये कढ़ाई। और उस पर ये लीड भी आता है इस तरह से, आप देख सकते हो ये वाला, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये वाली। तो ये है और उसमें ना प्लेट्स आई है, और गिर गया बॉक्स, तो उसमें और एक मतलब तीन प्लेट्स आई है, तो तीन प्लेट्स के लिए ये बॉक्स अलग से दिया है उन्होंने, क्योंकि उसमें आता नहीं इसकी वजह से। तो ये एक मिनी इडली के लिए है, मिनी इडली काफ़ी सारी मिनी इडली होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मिनी इडली होंगी इसमें, इनने में भी बहुत देर लगी।
और इसमें ना 14 इडलीज होंगी इस तरह से। ये 7-7 इडलीज का प्लेट्स है, मतलब एक एक प्लेट है 7 इडलीज की, तो ये प्लेट्स मिली है साथ में। इसके बाद मैंने लिया है एक पूजा थाली, ये मुझे लेनी थी एक्चुअली, वहाँ पर दिख गई तो इसी वजह से मैंने ले ली ये। तो ये मैंने छोटी साइज की ली है, तो ये कोई भी अगर छोटी सी मतलब डेली के लिए पूजा वगैरह करनी हो, तो जो पीतल के हैं मेरे पास काफी सारे हैं, तीन प्लेट्स हैं पीतल के। बट ना उसमें क्या होता है कि जब भी उसे यूज करना होता है तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद वो, और क्लीन करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको, क्योंकि पीतांबरी से क्लीन करो, उसको चमकाओ, उसके बाद उसे यूज करो, उसके बाद एक बार यूज करने के बाद वो रखो, और उसके बाद वैसे के वैसे ही और काला हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि ये स्टील की ले ली मैंने, और एक्चुअली शुभ माना जाता है पीतल या वही, बट हाँ जाने दीजिए, अब स्टील की ले ली मैंने, थोड़ा सा इजी भी जाएगा क्लीन करने के लिए, और इसमें ना कुमकुम और वो रख सकते हैं हम लोग, अक्षत वगैरह, और यहाँ पर दिया लगाने के लिए है और अगरबत्ती लगाने के लिए है। तो इस तरह से ये प्लेट, और काफी ज्यादा सुंदर लगती है, तो ये वाली प्लेट ली है। और फिर एक लिया है सॉस पैन, मतलब ये चाय के लिए लिया है एक्चुअली, अगर वो वाला एंगेज रहे तो ये वाला चाय के लिए लिया है। तो ये भी काफी ज्यादा हीवी है, ये भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ये भी काफी ज्यादा हीवी है, तो इसी वजह से ये वाला लिया है। बस यही थी आज की मेरी शॉपिंग, किचन के लिए कुछ न्यू आया है आज घर पे, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा मन था इसी में अटका हुआ, तो इसी वजह से ये मुझे मिल गया। और क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ ऐसे होते हैं कि किचन के लिए कुछ आता है ना न्यू, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन में ही स्पेंड होता है, और हम इसमें बनाएंगे अच्छी चीजों में बनाएंगे ना, तो अच्छा मतलब मन भी करता है बनाने में। अगर कोई नई चीज अगर मार्केट में आती है ना, तो हम लोगों को लेने का मन ही करता है, तो इसी वजह से चलिए जान दीजिए ले ली है मैंने। तो आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग जरूर बताना मुझे, और आपको मतलब कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब इसमें से कौन सा आइटम अच्छा लगा वो भी जरूर बताना। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा और मेरी शॉपिंग भी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।